नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, 70-80 के दशक में अभिनेता फिरोज खान को एक हैंडसम और एक स्टाइलिश एक्टर के तौर पर गिना जाता था। उस दौरान उनकी फिल्मों में एक काउबॉय की छवि बन गई थी। दोस्तों, फिरोज खान 1959 में अभिनेता बनने मुंबई आए थे और उन्हें एक साल के संघर्ष के दौरान ही 1960 में आई एक फिल्म दीदी में उन्हें छोटा सा रोल मिला था और उसके बाद करीब 4-5 सालों के संघर्ष के बाद उनकी एक हिट फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था ऊंचे लोग। और इस फिल्म से उन्हें इंडस्ट्री में जाना जाने लगा और उसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्में की। उनकी अगर कुछ हिट फिल्मों की बात करें तो उनमें काला सोना, जाबाज, आरजू, मेला, नागिन और भी कुछ फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, अभिनेता फिरोज खान ने अभिनय में अपने आप को स्थापित करने के बाद उन्होंने निर्देशन में भी अपना हाथ आजमाया। उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म अपराध थी जो 1972 में रिलीज हुई थी और इसके बाद उन्होंने और भी कई सारी फिल्मों का निर्माण किया था, जैसे कि यलगार, दयावान, कुर्बानी, धर्मात्मा इत्यादि। दोस्तों, अभिनेता फिरोज खान की अगर निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो एक फिल्म पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात सुंदरी नाम की एक लड़की से हुई थी और उस मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और कुछ सालों तक दोनों ने एक दूसरे को डेट भी किया और 1965 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि तब सुंदरी एक तलाकशुदा स्त्री थी और उनकी एक बेटी भी थी, फिर भी अभिनेता फिरोज खान ने उनसे शादी की थी। दोस्तों, अभिनेता फिरोज खान ने अपनी शादी के कुछ सालों के बाद ही एक बार वह फ्लाइट से कहीं जा रहे थे तो उनकी मुलाकात एक एयर होस्टेस ज्योतिका धनराजगीर से हुई और दोनों की यह मुलाकात प्यार में बदल गई। और जब दोनों के बीच प्यार का परवान चढ़ा और जल्द ही दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और यहाँ तक कि करीब 10 साल तक दोनों रिलेशनशिप में भी रहे। और जब ज्योतिका उन पर शादी का दबाव बनाने लगी तो फिरोज खान किसी न किसी वजह से शादी टालते रहे। और जब इन दोनों के अफेयर के चर्चे फिरोज खान की पत्नी सुंदरी को हुई तो वह काफ़ी नाराज हुई और इन दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ और इसी कारण से सुंदरी अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। और इधर ज्योतिका ने जब देखा कि फिरोज खान शादी को लेकर आनाकानी कर रहे हैं तो उनसे भी फिरोज खान का झगड़ा हुआ, तो ज्योतिका फिरोज खान से अपने रिश्ते तोड़कर लंदन जाकर रहने लगी। हालांकि ज्योतिका के फिरोज खान की ज़िंदगी से चले जाने पर फिरोज खान वापस अपनी पहली पत्नी सुंदरी के पास आ गए, लेकिन सुंदरी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और 1985 में उन्होंने फिरोज खान से तलाक ले लिया। तो दोस्तों, यह वीडियो था एक हैंडसम और स्टाइलिश एक्टर फिरोज खान के बारे में, जो शादीशुदा रहते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई और दूसरी तरफ उनकी प्रेमिका ने भी उन्हें ठुकरा दिया। धन्यवाद।